वही रहेगा जो भगवान श्री मुख से कह रहे हैं। रामचरितमानस के उत्तर कांड के 44वें दोहे की चौथी पंक्ति से छठी पंक्ति पर्यंत, और हमारे यहां तो लिखा भी है, लिखित देखिए ना, ये सबसे सुंदर प्रसंग है। कम से कम हमने इतना तो किया, हम तो सन्यासी हैं, भीख मांगने में संकोच नहीं लगता। अपने लिए आज तक हमने कभी भीख नहीं मांगी, पर तुलसी पीठ और प्रज्ञा चक्षु विद्यालय और विकलांग विश्वविद्यालय के लिए भीख मांगने में मैंने कभी संकोच भी नहीं किया। देखिए इतना हमने कर दिया है कि आपको बहुत प्रामाणिक प्रति के आधार पर रामचरितमानस यहां टंकन करवाया, यहां आप पूरा पढ़ सकते हैं। मेरे संपादन को लेकर बहुत विवाद चला और मूर्ख तो कष्ट देते हैं, वो तो कुछ लोगों का जन्म ही कष्ट देने के लिए होता है, वो जन्मते ही हैं दुष्ट, दुष्ट उदय जग आरत हेतु, यथा प्रसिद्ध अधम खग अधम ग्रह केतु। मैंने विनम्रता से सहन किया, कोई बात नहीं। उस प्रसंग में रघुनाथ जी ने ही मेरा साथ दिया, यहां तक कि मुकदमे भी चलाए लोगों ने मेरे पर, और आप लोगों के पुण्य से उस मुकदमे में मेरी जीत हुई। जय हो। हाई कोर्ट में चला, डिवीजन बेंच में, जहां दो जज निर्णय देते हैं, और वो निर्णय भी बहुत अच्छा निर्णय है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब तुम विरोध करोगे तो गैर जमानी जमानती वारंट होगा और कम से कम 6 महीने तक जेल में रहना पड़ेगा। इस अब आप लोग निर्भीक होकर इसी प्रति से पाठ कीजिए, शुद्ध संस्कृत, बहुत श्रम किया है मैंने इसके लिए। तो चलते हैं अब मानस जी के 84 प्रसंगों की ओर बहुत आनंद से, और मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि देखिए प्रेम भूषण जी के आयोजन का एक लाभ है, अभी स्वयं भी अमेरिका जाके आए हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं, मुझे प्रसन्नता है ये परंपरा की रक्षा कर रहे हैं, और कथावाचक तो इतने बौरा गए हैं समय, क्या कहें भगवान। अरे गंदे गंदे पिक्चर के गीत, गंदे गंदी गंदे गंदे चुटकेले चुटकिले गंदी गंदी शेर शायरियां, अरे शेर शायरी करनी है तो यहां कथा को क्यों विकृत कर रहे हो, जाओ ना वहीं पाकिस्तान में और कहीं जहां जाना हो जाओ, वहीं सुनाओ शेर शायरी, यहां क्या आवश्यकता है सुनाने का, जिसको दंभ हो ना तो सुंदर सुंदर श्लोक सुनाओ, कहां हम रोक रहे हैं तुमको, हमने किसको कब रोका कि श्लोक मत सुनाओ। लोग खुल के कहने लगे हैं एक बात कि हम राम कथा से इस्लामी संस्कृत का प्रचार करेंगे, अब आप बताइए। हमने भी कह दिया है कि तुम राम कथा को माध्यम बनाकर इस्लामी संस्कृत का प्रचार करोगे, तुम देशद्रोही हो, गद्दार हो, हम तो राम कथा को माध्यम बनाकर वैदिक हिंदू सनातन संस्कृत का प्रचार करेंगे। जय हो। ये हमारी नहीं, मेरी निष्ठा है, मेरी प्रतिज्ञा है, राम कर श्री राम कथा को माध्यम बनाकर हमको क्या करना है, वैदिक हिंदू सनातन संस्कृत का प्रचार करना है। इसको गंभीरता सुनिए, और मैंने कभी चिंता नहीं की
कि मेरी कथम भीड़ होती कि मत हो भीड़, मत हो भीड़, भीड़ को क्या करूंगा लेकिन मैं, भीड़ तो भेड़ों की होती है, सिंह जंगल में एक होता है, 10-20 नहीं होते। जय हो, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। और एक बात कहूं, सिंहनी का दूध साधारण बर्तन में नहीं टिकता, साधारण बर्तन नहीं टिकता, हाँ ईदान रखना चाहिए। सिंहनी का दूध जो होता है वो सोने के बर्तन भी टिक सकता है, इतना वैसा होता है वो, साधारण बर्तन फट जाएगा उसको रखने से, सोचिए बाप। तो ये श्री राम कथा तो सिंहनी है, है मित्रों, श्री राम कथा सिंहनी है, इसके भाव सिंहनी के दूध है। जिसका मन सोने के समान भगवत बिरहाग्नि में तपा होगा वहीं टिकेगा, इस रबत नहीं टिक सकता। जय हो। इसलिए बहुत गंभीरता से कथा सुननी होगी। प्रेम भूषण के साथ हमारे राजन भी बहुत अच्छे लड़के हैं। मैं यही कहने जा रहा हूं, मेरा बहुत विनम्र निवेदन है मेरा आप सबसे, और ग्रंथों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम ब्रज, सभी ग्रंथों को छोड़ करके और रामचरितमानस जी को पढ़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या नहीं है रामचरितमानस जी में, कि तो हम तो वाल्मीकि रामायण कहना ये हमारा आनंद है। वाल्मीकि रामायण हो, भागवत हो, और कोई ग्रंथ हो, मन रमता तो मन मानस में है। अतः चलते हैं मानस के 84 प्रसंगों के लिए। रामचरितमानस भगवान की जय हो। रामचरित रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्राम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम, रामचरित मानस यही गोस्वामी जी प्रतिज्ञा करते हैं, इनका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस का हिंदी में अर्थ जानते हैं? एक तो रामचरित रामायण का पर्यायवाची है, ध्यान रखिए, रामायणम और रामचरितम दो नाम है इस ग्रंथ के, नारद जी ने रखे ना, यह पठेद रामचरितम, और एतदायुष्माख्यानम पठन रामायणम नरह, तो रामायण रामचरित का पर्याय है। रामचरितम मान रामचरितमेव मानसम, यह रामायण एक मानस सरोवर है, मानस सरोवर है, अद्भुत है मानस। अभी तो एक कार्य मैं कर रहा हूं, भगवान ने कहा चाहे यदि कार्य पूरा हुआ पानिंद पर,
तो मेरा मन है कि रामचरितमानस जी की जो मैं विस्तृत टीका लिखने के पक्ष में हूँ 9 खंडों में, वो मानस सरोवर में ही उसका प्रारंभ करूंगा। जय हो, सोच लिया है। और अवस्था बड़ी होती जा रही, काम कार्य बहुत हैं, पर सब भगवान ठीक करेंगे, सब भगवान को पूरा कराना है, पूरा होगा। तो देखिए रामचरित माने रामायण मानस सरोवर है, मानस सरोवर है। और एक अर्थ है मनसा निर्मितम, ये मन से निर्मित हुआ है, शिव जी ने इसको मन से अपने मन में निर्मित किया था। रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, पाइस सम शिवासन भाख, पाइस समय शिवा देखे। गाने में बिल्कुल संकोच मत कीजिए, विशेष जी नहीं झगड़ा हो जाएगा मेरे। आप कहें कि क्यों आप गवाते हैं, हम गवाते भी हैं गाते भी हैं, क्यों? देखिए संसार सागर बहुत अगाध है, इसकी कोई थाह जल्दी नहीं पा पाता। बड़े बड़े लोग थाह नहीं लगा पाए कितना फिट पानी है इसमें। गोस्वामी जी ने कहा एक ही उपाय है, भगवान की गुण गाथा गाओ, गाते गाते बिल्कुल तुमको पता चल जाएगा इतना कम पानी हो जाएगा, इतना कम पानी हो जाएगा तुम थाह लगा लोगे कितना जल है इसमें। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भाव ठाहा। तो हम पक्ष में है कि गाओ, सब लोग गाओ, सब लोग माइक रखो, प्रेम की सब माइक, सब लोग माइक रखो, गाओ। जय जय कैले जुग कैली जुग केवल हरि गुण गा, कली युग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावहि भव ठागा, नर पावहि भव ठागा, कली युग केवल हरि गुण गा, कलयुग के क्या बात है, हरि गुण गा, कलयुग के हरि गुण गा, कलयुग के कुछ आधार हमारा नहीं रह गया। क्यों, कुछ आधार रह गया? योग आधार नहीं है, योग योगा बन के तो हम लोग ठीक है। योग जग ज्ञान सब सब कुछ कलयुग में संभव ही नहीं है। अब मान लो प्राणायाम करना, किसी खांसी आगे कैसे प्राणायाम करेंगे? कोई आधार नहीं है। गोस्वामी ने कहा कैली जुग जोग ने जय ज्ञान ज्ञाना,
कुछ नहीं, एक ही आधार है हमारा, एक आधार है राम गुण गाना। नीचे वाले गाओ गाओ, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कलि युग जगन जगन गाना, कलि युग जोगन जगन गाना। एक आधार राम स्वामी जी का गाओ, कुछ मत करो, केवल गाओ, गाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होगी। अरे बात आप बताओ, मुझे जैसा लगता, मैं जैसा सोचता हूं, गाने में तीनों काम हो जाते हैं। जब हम गाते हैं ना, तो मन से स्मरण होता रहता है, वचन से गान होता है, और मुख से आयाम करते शरीर का भी एक प्रकार का व्यायाम होता रहता है। जय हो। सब कुछ ठीक हो जाता है। इससे मुझे लगता है कि गाने में बहुत आनंद है। गाने गानते पर चौपाइयां गानते, व्यर्थ का गीत नहीं गाना चाहिए, वो तो नरक होगा सीधे सीधे। सीधे सीधे नरक होगा। जो लोग गा रहे हैं उनको देख लो, आनंद है। पहले मुझको लोग ना बहुत बहुत पीछे मानते थे, अरे ठीक है। आवाज आज की तारीख में जितने वक्ता हैं, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, विनोद कर रहा हूं, और सही भी है, जितने वक्ता हैं जो शेर शायरी सब गा रहे हैं, उनका चेहरा देखो, मेरे चेहरे को देखो, चकाचक कितना अंतर है। अपने आप अंतर दिखेगा, अपने आप अंतर दिखेगा। इसका फल तो मिलता ही है, जान लीजिए। चौथी भगत मम गुण गन करई कपट तज गान। जय हो। कपट छोड़ कर, इसमें कौन सा कपट है? हो है कपट, है कपट। जब जब हम जनता के लिए गाएंगे तो कपट होगा, और जब जनार्दन के लिए गाएंगे तब निष्कपट। जय हो, जय हो। जब हमें कहें कि श्रोता को रिझाने के लिए, रे श्रोता को क्या रिझाओगे जी? श्रोता तो बेचारा गरीब होता है, तुम्हारे पास आज जो सुनाओ सुनेगा। अब ये तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे जहर पिलाना चाहते हो कि अमृत पिलाना चाहते हो, तो तुम जानो। जय, ये तो तुम्हारा विवेक जाने। तुम इसे विष पिला रहे हो कि अमृत पिला रहे हो? देखो बताऊं, बुरा मत मानना, नाचते तो सभी लोग हैं। हमारी मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी बहुत अच्छा नाचती थी, नाचती थी, पर उनके नाचने में और मीरा जी के नाचने में अंतर है कि नहीं, बताओ आप? हेमा मालिनी नाचती है जनता के लिए, और मीरा नाचती है जनार्दन के लिए। जय हो। दोनों में अंतर है और रहना चाहिए।
दोनों का अंतर है। ये नाचती है तो काम का पोषण होता है और मीरा नाचती है तो श्याम का तोषण होता होता कि नहीं होता। प्रयोग अलग अलग है। मीरा नाचती है, मीरा भी घुघरू बात करी नाचती है कि नहीं। मीरा नाचती है पग घुघरू बांधी मीरा नाची रे पग घुघरू बांधी मीरा नाची रे पग घुघरू बांधी मीरा नाची रे पग घुघरू बांधी मीरा नाची रे। लोग कहीं मीरा भई बावरी, लोग कहीं मीरा भई बावरी, सासु कहे कुल नाची रे जे जे ता, सासु कहे अरे नाची जहर का प्याला राणा ने भेजा, जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हाँसी रे जे जे, पीवत मीरा हाँसी रे पग घुघरू पग घुघरू जय जय मैं तो अपने नारायण, मैं तो अपने नारायण आप ही हो गई दा पग घुघरू नाची रे पग घुघरू पग घुघरू घुघरू पग घुघरू घुघरू पग घुघरू घुघरू पग घुघरू बांधी पग घुघरू पग घुघरू
नाचने नाचने में अंतर है, इसी प्रकार गाने गाने में भी अंतर है। लता जी ठीक है, स्वर सामग्री है, स्वर साम्राज्ञी गाती हैं, पर उनके गीत में वो भी गाती हैं और मीरा जी भी गाती थी। और भागवतकार ने तो एक बड़ा विचित्र वर्णन किया है, भगवान भी गाते हैं, गोपियां भी गाती हैं। उद्गायती नामर बिंद लोचनम ब्रजांगनानम ध्वनिस्पृशत दिवमस्पृशत ध्वनि दधनश्च निर्घोष दधनश्च निर्मंथन घोष मिश्रितो निरस्यते येन दिशाम मंगलम। जब ब्रजांगना गाती है तो संसार का अमंगल नष्ट हो जाता है। जय हो, ब्रजांगना गाते, सूरदास जी गाते, रफी साहब भी गाते, पर रफी साहब के गाने में सूरदास गाने में अंतर है कि नहीं? क्या बात करते हो, अंतर है। जब हमारी कला संसार के लिए होती तो अनर्थ करती है, जब हमारी कला केवल गोविंद के मुस्कुराने के लिए होती तब धन्य धन्य कर देती। जय हो। इसलिए कली युग युग न जग्य न ज्ञाना कले जग जगन जगन ज्ञान एक आधार राम गुण गान एक आधार राम गुण गान कले जग जग मानस को गाओ रघुपति कृपा जथा मति गावा। क्या कहते हैं? रघुपति कृपा जथा मति मैं यह पावन चरित। अरे यार तुम गाओ चाहे ना गाओ, हनुमान जी से राम जी कहते कि मैंने गाया, हनुमंत लाल जी से स्वयं रघुनाथ जी कहते ना बहुत अच्छी चपाई। बहुत अच्छी चपाई है, आपको याद है ना? अरे बहुत प्यारी पंक्ति है। हमारे संपादन के अनुसार किष्किंधा कांड के दूसरे दोहे की पांचवी पंक्ति है, गीता प्रेस के अनुसार चौथी पंक्ति है। यहां लिखिए, देखिए, यहां टंकित है हमारे यहां। बहुत ही महत्व की चौपाई है ये, आप लोगों ने देख लिया हो तब मैं बोलूं बहुत अच्छी पंक्ति। हमारे संपादन में दूसरे दोहे की कौन पंक्ति मैंने बताई किष्किंधा कांड में? पांचवी। विशेष जी देख रहे हैं? जय हो। क्या? आपन चरित। आपन चरित कहा? हम गाए। हम गाए, गाया भगवान ने। जय हो। आपन चरित आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई। हाँ, अब क्या कहा? कहू विप्र निज कथा बुझा। हनुमान जी के लिए
करें आप कहिए, आपसे गाते नहीं बनेगा। क्या बात है, देखो क्या बात है। अपने कहते मैंने तो गा दिया, अब आप गाइए मत, आप कहिए। आपने चरित कहा हम गाई। क्यों भैया? क्योंकि जन्मते ही कह दिया यह चरित जिगावन हरि पद पाए तीन पर भवे को। जो इस चरित को गाएंगे वे भवकूप में नहीं पड़ेंगे, गोस्वामी जी की प्रतिज्ञा है। इसे गाइए, संकोच मत कीजिए, गाइए। आपने चरित कहा हम गाई, आपने चरित कहा हम गाई, आपने चरित कहा हम गाई, कहव विप्रनिज कथा बुझाई। आपने चरित चरित का। इतना बड़ा संकट है पर भी गा रहे हैं। कोशलेश दशरथ की जाए हम पितृ वचन मान बने आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संगनारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही बताओ, विप्र फिरे हम खोजते ही। इतना बड़ा संकट है भगवान आप गा रहे हैं, मैं क्या करूं? गा रहा हूं जैसा जैसा प्रसंग होता उसे राग बदल देता हूं। गाता तो गा रहा तो गाइए। जब जन्म तजरा झमक के गा दिया, धरिया कुशलेश दशरथ की जाए हम पित वचन माने बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। और जब हरण हुआ तब का, तब तो मैंने कहा हरि निश्चर वैदेही, हरि निश्चर वैदेही, हरि रही हम खोजते हम खोजते आपन चरित कहा हम गाए, भी कहूँ भी प्रनिज कथा बुझाए। भगवान कहते मैं गाता हूं, मैंने गाया, तुम भी इसको गाओ, क्योंकि मैंने गाया तो मेरी विपत्ति के सागर, मेरी विपत्ति का सागर कम हो गया, छोटा पड़ गया। तुम भी गाओ, तुम्हारी विपत्ति का सागर छोटा हो जाएगा, तुम नहीं डूबोगे।
से गाओ। इतनी मधुर कथा है, गोस्वामी जी कहते कौआ सबसे कठोर बोलता है। नहीं, कौए को आप कौए से आपने अपेक्षा की कि कौआ किसी अच्छे स्वर में बोलेगा? कोयल तो पंचम स्वर में बोल लेती है, पर कौआ भी कभी बोलता है क्या? कौआ पंचम स्वर में बोलेगा कभी? कभी नहीं बोलता। किंतु यहां बोला, करी पूजा समेत अनुराग, करी पूजा समेत अनुराग। अरे मधुर वचन बोलो तब मधुर वचन बोले तब तागा, मधुर वचन बोले तब तागा। पंचम स्वर में वो भी बोलने लगे भुसुंडी जी भी, कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि कोकिल बने तो मधुर वचन बोले तब तागा, मधुर वचन बोले तब मधुर वचन बोले तब तागा। मेरा एक गीत सुने हो ना तुम लोग, पूरा गीत तभी नहीं सुनाऊंगा आपको, उसमें मुझे जो कहना है आप समझ जाओगे। एक केवल दो मैं अस्थाई दो स्थाई ही सुना रहा हूं। अरे त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ, अरे बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ, त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, हो बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे। एक एक स्थाई और, राम नाम रटई जहां जय हो, राम राम रटई जहां कोइल ओ कौआ, राम नाम रटई जहां कोइल ओ कौआ, अरे बड़ा नीक लागे राघव चुके कौआ, हो बड़ा नीक लागे राघव चुके कौआ, राम 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 रटे जहां, राम राम रटे जहां कोयल कौआ, बड़ निक लागे राघव जू के कौआ, बड़ निक लागे राघव जू के कौआ, बड़ निक लागे राम नाम राम राम रटे जहां कोयल कौआ। यहाँ कोयल भी पंचम में गाता है, कौआ भी पंचम में ही गाता, मधुर वचन बोलू तब तागा, मधुर वचन बोलू तब तागा।
मधुर वचन बोले उत्तम काजा आज मधुर वचन मधुर मधुर वचन प्रारंभ करते हैं बहुत मधुर प्रारंभ है वह व्यक्ति प्रारंभ कर रहा है जिसके उपलक्ष्य में यह कथा रखी गई। अब यह क्रम जीवन भर हम चलाएंगे। प्रत्येक तुलसी पक्ष में यहां 9 दिन की कथा होगी ही होगी यजमान चाहे जो भी रहे। जय हो। होगी तुलसी पक्ष में तो हमारा कर्तव्य ही है। अभी चित्रकूट में आप अभी एक बहुत चौंकाने वाली बात बताऊंगा मैं। लोग भ्रम में हैं, झूठे सोरो सोरो, कोई सोरो कहता है कोई गुंडा कहता। लोग चित्रकूट का इतिहास नहीं जानते। गोस्वामी जी ने कहा मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसुकर छेद। इसी कामद परिक्रमा में जहां पे नरहरि की गुफा है ना वो सूकर क्षेत्र वही है, वहीं पर तुलसीदास जी ने कथा सुनी। जय हो। मैं अपने निज गुरु सन सुने कथा सुसूकर खेत, यहीं पर सूकर खेत है, वो सूकर क्षेत्र ही है। आज बराह बिहारी मानो गीतावली में 50वें छंद में आया वो अयोध्या कांड में, तो वही शुक्र क्षेत्र है। यहीं पर नरहरि जी की गुफा है, नरहरि दास जी की। यहीं पर तुलसीदास जी ने संपूर्ण रामचरितमानस उनके मुख से सुनी थी। जय हो। तो 84 प्रसंग प्रारंभ करते हैं। पहले गोस्वामी जी अपना मंगलाचरण करते। देखो यहां 4 वक्ता हैं। बहुत सुंदर घाट है ये। 4 घाट है। सुठी सुंदर संवाद बरु बीरचे बुद्धि विचारी ते यही पावन सुभग सर घाट मन हैर चार। थोड़ी दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझसे दूरभाष पर बात की, कहा गुरु जी मुझे एक बात कहनी है आप। मैंने कहा बताओ। कहा गुरु जी मुझे कहनी यह है कि प्रेम भूषण की कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा क्यों। कहा गुरु जी ये सही सही आपका आपकी परंपरा को संभाल रहे हैं और ये कभी भी पिक्चर की गीत नहीं गाते हैं, कभी शेर शायरी कवाली नहीं कहते हैं। जय हो। और जितना हो सकता है आपके गीत गाते हैं और गीतों में आपका नाम भी लेते हैं। तो मैंने कहा यही तो बात है, इसीलिए तो मैं इस बार इनको इस व्याख्यान माला का प्रथम यजमान मैंने इनको बनाया कि एक बार फिर परंपरा से सुन लेनी चाहिए। कथा तो सुननी ही चाहिए और कहनी चाहिए, पहले सुननी चाहिए फिर कहनी चाहिए। तो तुलसी पक्ष में इतना सुंदर पावन पक्ष है, सावन का महीना है? सावन का महीना है। पिक्चर के लोग तो इसको दूसरा कुछ कहते हैं, यहां तो हम तो कहेंगे राम नाम बर बरन जगे सावन भादो मास। तो प्रारंभ बहुत उत्साह से वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंद सामपि मंगलानां च
करता रहूं वंदे वाणी विनायक। व्याख्या तो बहुत है पर अभी सामयिक चर्चा कर रहा हूं। वर्णानामर्थ संहार, एक अर्थ तो यही है कि वर्णों के अर्थ समूहों के रसों के छंदों के मंगलों के करने वाले वाणी बिना की मैं वंदना करता हूं। और वस्तुतस्तु वाणी मानी सीता जी, ब्रह्माणी गृहती वाणी और विनायक माने विशिष्ट नायक धीरोदात्त नायक भगवान राम। वर्णा नाम ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन वर्णों की सबके मनोरथों की, रस माने आनंदों की, छंद माने स्वातंत्र वेद की, छंद साम वेदा नाम और मंगला नाम सभी मंगलों का, सभी मंगलों की जो रक्षा करते हैं, करतारो माने रक्षकौ भगवान राम सीता राम जी वर्णों की रक्षा करते हैं। अर्थ संघा नाम सबके मनोरथों की रक्षा, आश्रमा नाम चारों वर्णों की चारों आश्रमों की, रसा नाम सभी आनंदों की रक्षा, छंद साम वेदों की रक्षा और मंगला नाम मंगलों की रक्षा। विभीषण ने कहा ना रावण से, अरे जन रन कितना छका नहीं, जन रंजन और उठाइए भंजन खल ब्राता जन रंजन भंजन खल ब्राता वेद धर्म रक्षक सुर त्राता वेद धर्म रक्षक सुर त्राता वेद धर्म रक्षक सुर त्राता। भगवान वैदिक धर्म की रक्षा करते हैं, वेद धर्म रक्षक सुर त्राता। भगवान की यही भगवान का लक्षण है। किसे कहते हैं भगवान? वेदानुमोदित धर्म रक्षकत्वम भगवत्वम, वेदानुमोदित धर्म की जो रक्षा करते हैं उन्हें कहते हैं भगवान। क्या कहा मैंने? वेदानुमोदित धर्म रक्षकत्वम भगवत्। जो वेद धर्म की रक्षा नहीं करता भगवान कैसा? इसलिए हमने कहा हिंदू लोग मूर्ख हो गए हैं, झूठे ढो रहे हैं, बौद्ध भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध भगवान। अरे मूर्ख चक्र चूड़ामणि, कहां गौतम बुद्ध भगवान, किसने कह दिया? और पंडित तो मूर्ख ही है, कर्मकांडी, बौद्ध नामा अवतारे पेल दिया निरर्थक संकल्प में। गौतम बुद्ध भगवान हो ही नहीं सकते, वो कैसे भगवान हो जाएंगे? भगवान के तीन लक्षण हैं, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। साधुओं की रक्षा करना, किसकी रक्षा की इन्होंने? दुष्टों का नाश करना, कब नाश किया दुष्टों का? धर्म की स्थापना कहाँ की? उल्टे वेद के विरुद्ध धम्मपद नाम का ग्रंथ ही बना डाला। इसे मित्रों गौतम बुद्ध भगवान नहीं है, झूठ बोलते हैं लोग। दशावतार में उत्तर भारत ने भूल करके कर दिया गणना उनकी। दशावतार में
कच्छ बत कच्छावतार मत्स्यावतार बाराहावतार नरसिम्हावतार बावनावतार और परशुरामावतार रामावतार और बलरामावतार और कृष्णावतार और कल्की अवतार ये है। इसे हमारे व्याकरण में दीक्षित ने भी राम राम का प्रयोग क्या बताया, राम रामऊ रामा बहुवचन क्यों बताया, क्योंकि तीन रामावतार हुए, परशुरामावतार रामचंद्रावतार और बलरामावतार। राम रामऊ रामा रामम रामऊ रामान रामेण रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामेभ्य रामात रामाभ्याम रामेभ्य रामस्य रामयोः रामानाम रामे रामयोः रामेषु। तीन रामा बुद्ध कैसे अवतार हो जाए, किसी आचार्य ने बुद्ध को राम अवतार नहीं माना। शंकराचार्य से लेकर अब तक किसी ने बुद्ध को भगवान नहीं माना। जो हमारे वेद को गाली दे वो भगवान हो जाएगा क्या? वो तुलसी वो दोहावली का दोहा प्रक्षिप्त है, किसी ने डाल दिया है अतुलित महिमा वेद की तुलसी की बिचारी प्रक्षिप्त है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं पर वेद के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोल सकते। जन रन जन भंजन खल भ्राता जन रन जन भंजन खल भ्राता जन रन जन भंजन खल भ्राता जन रन सीता राम जय सीता राम। आनंद कर दिया गोस्वामी जी ने। भविष्योत्तर पुराण में एक बड़ी अच्छी कथाई है। हनुमान जी महाराज वाल्मीकि रामायण सुनने सतत जाते हैं, वाल्मीकि जी के यहाँ। एक दिन वाल्मीकि के मन में आया कि बानर की जात ये क्या समझेंगे वाल्मीकि रामायण। तो थोड़ा सा हनुमान जी का थोड़ा सा अपमान कर दिया, अरे तुम क्या समझोगे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो हनुमान जी को थोड़ा सा एक आनंद आ गया और हनुमान जी ने अपने नखों से खोद करके कुरेद कर, उनके नख तो वज्र ही है, नख वज्र वज्र तन, पूरी रामायण पत्थर की शिला पर कुरेद कर लिख दी। ले आए राम जी के पास, लीजिए मैंने रामायण ली। अरे राम राम, उसी का पहला श्लोक है, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। अब भगवान का वाल्मीकि को दिखाओ, वाल्मीकि को दिखाया। वाल्मीकि ने सोचा यदि ये ग्रंथ रह गया तो मेरी रामायण कोई पढ़ेगा ही नहीं। तब वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की स्तुति की, बहुत अच्छी स्तुति की। वाल्मीकि जी ने कहा हनुमान जी, हमारी अवधी भाषा में, अरे हनुमन हमारे
हनुमने हनुमन हमारे हनुमन हनुमन हमारे हनुमन तू तो बाट बड़ा बलवन हनुमन हमारे हनुमन हनुमन हमारे हनुमन कंचन बरन चमक पियरी शरीरिया कंचन बरन चमक पियरी शरीरिया इंद्र धनुष जैसी लपक ललकी लगरिया इंद्र धनुष जैसी लपक ललकी लगरिया हो जय हो तू तो राम भक्त धन के निधन तू तो राम भक्त धन के निधन हनुमन हमारे हनुमन हनुमन हमारे हनुमन तू तो राम भक्त धन के निधन तू तो राम भक्त धन के निधन हनुमन हमारे हनुमन हमारे हनुमन अंजना के बारे पवन के दुलारे अंजना के बारे पवन के दुलारे सीता और राम जी के प्राणन से प्यारे सीता और राम जी से प्राणन के प्यारे हो तू तो बस में की है भगवन जय हो तू तो बस में की है भगवन हनुमन हमारे हनुमन तू तो बाट बड़ा बलवन तू तो बाट बड़ा बलवन हनुमन हमारे हनुमन हनुमन हमारे हनुमन हनुमन हमारे हनुमन सागर सागर के लाघी सागर के लाघी सिय चरण निहारे सागर के लाघ सिय चरण निहारे बाटिका उजारी अक्षमारीपुर जारे बाटिका उजारी अक्षमारीपुर जारे हो जहो हो तू तो बल और बुद्धि तू तो मन तू तो पाट बड़ा बुद्धि मन हनुमन हमारे हनुमन हनुमन हमारे हनुमन तू तो पाट बड़ा बलवन तू तो पाट बड़ा बलवन हनुमन हमारे हनुमन
लाई के सजीवन लाल लखन जियाए, लखन जियाए, राम भद्राचार्य जी के संकट मिटाए, जय हो राम भद्राचार्य, ओ संकट मिटाए, राम भद्राचार्य जी के संकट मिटाए, राम भद्राचार्य जी ओ संकट मिटाए, संकट मोचन परम सुजन, जय हो तुत संकट मोचन परम सुजन, हनुमन हमार हनुमन, हनुमन हमार हनुमन, तुत बाट बड़ा बलवन, तुत बाट बड़ा बजरंग बली की जय हो। वाल्मीकि जी ने स्तुति की, हनुमान जी का आज्ञा क्या चाहते हैं? का इस ग्रंथ को आप सागर में फेंक दीजिए। हनुमान का ठीक है, आपको लगना नहीं चाहिए कि मैं मूर्ख हूं इसलिए मैंने बनाया, मैं फेंक देता लो, वो तो सागर की शिला से कुछ श्लोक मिल गए थे 25-30, तो उन्हीं को कालिदास ने इकट्ठा करवा दिया था। उसी समय हनुमान जी ने कहा कि आज तो आपने मेरा अपमान किया है, परंतु कलयुग में आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा और कलयुग में अवधि भाषा में आपको चौपाई लिखनी पड़ेगी, सब लोग पढ़ेंगे। जय हो। तब हनुमान वाल्मीकि का ठीक है, मैं बनूंगा मनुष्य शरीर धारण करूंगा, तुलसीदास के रूप में जन्म लूंगा, पर मेरी जीभ पर बैठकर आपको ही राम कथा लिखवानी पड़ेगी। जय हो। इसलिए श्रावण शुक्ला सप्तमी को 1554 में यमुना जी के तट पर राजापुर ग्राम में श्रावण शुक्ला सप्तमी को प्रातःकाल तुलसीदास जी महाराज का आविर्भाव हुआ। देवता प्रसन्न हुए, चारों ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। जय हो। बोले गौर श्याम तुलसी महाराज की जय हो। वही तुलसीदास जी।